तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि छोटे बच्चों को हमें कैसे बेबी फूड देना चाहिए और उन्हें हमें स्टार्टिंग से लेके जब वो न्यूबॉर्न से होते हैं तो वहाँ से आज मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। जो हमारे 0 से 1 मंथ के बेबीज होते हैं उनको हमें या तो माँ का दूध देना चाहिए या फिर हमें फॉर्मूला मिल्क देना चाहिए। अब बात आती है कि हमें उन्हें कितनी मात्रा में देना चाहिए, तो हमें उन्हें 60 से 100 ml के बीच में या तो माँ का दूध दें या फिर उन्हें मिल्क दें। और उसके बाद ये कितने अंतराल में होना चाहिए, ये दूध की जो प्रोसेस है, ये जो हमें फीड देना है उन्हें, ये हमें 2 घंटे के अंतराल में देना है। अब बात करते हैं हम 1 महीने से ऊपर वाले बच्चे, इस रेंज में आएंगे 1 से 5 मंथ वाले बेबी। तो इन बच्चों को क्या होता है, 2 से 3 घंटे के अंतराल में भूख लगती है। तो इन बच्चों का जो हमारा फीडिंग अमाउंट होगा वो होगा 100 ml से 250 ml। इसमें भी हम माँ का दूध देंगे। बेबीज का एक चार्ट बना लेना चाहिए छोटे बेबीज का कि हमें उन्हें टाइम टू टाइम किस तरह से हमें उन्हें फूड देना है, क्योंकि हम काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम बच्चे को दे क्या रहे हैं। तो उसका एक शेड्यूल बना लेना चाहिए। तो जैसे हमारे पास ये शेड्यूल है कि हमें मंडे में लिया, हमने सबसे पहले मॉर्निंग में बच्चे को हम देंगे माँ का दूध या फिर कोई भी फॉर्मूला मिल्क, और जैसे ही हमारा ब्रेकफास्ट आएगा उसमें भी हम बच्चे को 2 या 3 घंटे के अंतराल में फिर से माँ का दूध देंगे और फॉर्मूला मिल्क देंगे। दिन के बीच में यानी कि आफ्टरनून में हम उसे कोई भी एप्पल प्यूरी बनाकर दे सकते हैं, और उसके बाद हम उसे राइस का कोई जैसे चावल का मांड बोलते हैं वो दे सकते हैं, और फिर से हम उसे नाइट में माँ का दूध और फॉर्मूला मिल्क देंगे। तो इस तरह से आप इस पूरे चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड बनाते हैं एप्पल प्यूरी की रेसिपी। उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एक एप्पल, उसको धो लेंगे और उसका छिलका हम उतार लेंगे। उसके बाद उसे एक पैन लेंगे और पैन में उसे उबाल लेंगे कुछ देर के लिए, और उबालने के बाद उसे ग्राइंड कर लेंगे, और ग्राइंड करने के बाद उसको हम बच्चे को आराम से सर्व करके ठंडा होकर खिला सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं बच्चों के लिए सूजी की खीर। सबसे पहले हम सूजी लेंगे एक पैन में, उसे हल्का ब्राउन करेंगे और उसमें फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। अब उसे हल्का सा बॉईल होने देंगे स्लो फ्लेम पर, और उसके बाद ये कुक हो चुकी है, उसे एक बाउल में लेंगे और बच्चे को आराम से सर्व करके हम खिला सकते हैं। दोनों रेसिपी आप ट्राई करिएगा ज़रूर नए घर पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।